हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको अमरोहा ज़िले के इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में। अमरोहा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक नगर है। यह पहले मुरादाबाद जिले का एक हिस्सा था। 24 अप्रैल 1997 ईस्वी को इसे नवगठित अमरोहा जिले का मुख्यालय घोषित किया गया। गंगा नदी यहां की प्रमुख नदी है। अमरोहा बिजनौर जिला के उत्तर, मुरादाबाद के पूर्व और मेरठ, गाजियाबाद तथा बुलंदशहर के पश्चिम से घिरा हुआ है। अमरोहा जिले का कुल क्षेत्रफल 2470 वर्ग किलोमीटर है। वासुदेव मंदिर, तुलसी पार्क, गजरौला, रजापुर, कंखाथर और तिगरी आदि यहां के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। अमरोहा कृषि उत्पादों की मंडी होने के साथ साथ अमरोहा में मुख्यतः हथकरघा वस्त्र, मिट्टी के बर्तन उद्योग व चीनी की मिलें की वजह से भी फेमस है। अमरोहा रेल मार्ग से मुरादाबाद व दिल्ली से जुड़ा हुआ है। अमरोहा में रुहेलखंड विश्वविद्यालय के अलावा मुस्लिम पीर शेख सद की दरगाह भी है। वर्तमान में अमरोहा जिले में 4 तहसील हैं, जिनमें अमरोहा, धनौरा, हसनपुर और नौगांवा सादत को मिलाकर जिले में कुल 4 तहसील शामिल हैं। कहा जाता है कि मुगल शासक शाहजहां के शासन के समय में संभल के गवर्नर रुस्तम खान ने एक किले का निर्माण यहाँ कराया था तथा व्यापारियों और खेतिहारों को इसके आसपास बसाया था। 474 ईस्वी पूर्व अमरोहा क्षेत्र में वंशी साम्राज्य के राजा अमरजोत का शासन था। तारीखे अमरोहा नामक पुस्तक में यह उल्लेखित है कि अमरोहा में 676 से 1148 ईस्वी तक राजपूत वंश का शासन था। प्राचीन समय में पांचाल प्रदेश के शासकों को हस्तिनापुर के कुल राजाओं द्वारा हटा दिया गया। कुषाण एवं नंद साम्राज्य के पतन के बाद इस क्षेत्र पर मौर्य वंश का भी शासन रहा। उसके बाद समुद्रगुप्त का शासन स्थापित हुआ। लगभग 2 शताब्दियों तक गुप्त वंश का शासन इस क्षेत्र में रहा। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद कन्नौज के राजा मुखारी का नियंत्रण इस क्षेत्र पर हो गया। इसके पश्चात 606 से 647 ईस्वी तक यह क्षेत्र कन्नौज नरेश हर्ष के शासन क्षेत्र में रहा। पृथ्वीराज चौहान की शहाबुद्दीन गौरी के हाथों हार के पश्चात मुस्लिम प्रभुत्व यहाँ बढ़ना प्रारंभ हुआ। अकबर के कार्यकाल में यह क्षेत्र मुगल शासन के अधीन हो गया। रुहेलाओं ने भी समय समय पर अपना प्रभुत्व इस क्षेत्र पर बनाए रखा। मराठाओं ने भी इस क्षेत्र पर समय समय पर आक्रमण किए, परंतु विफल रहे। बाद में यह क्षेत्र अवध के नियंत्रण में आ गया, परंतु 1801 में यह क्षेत्र ब्रिटिश के ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में अवश्य बताएं और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।